नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, और आज लोग प्यार में ऐसे पागल हो जाते हैं कि उन्हें अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता। वो बस अपने रास्ते में आ रही हर इंसान को बाधा समझते हैं और उन्हें हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही देश की राजधानी में हुआ। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने खुलासा तो कर दिया, लेकिन मामला क्या है और खुलासा कैसे हुआ, ये सुनकर आपके होश फाख्ता जरूर हो जाएंगे। नवीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी जान ऐसे अपनों के हाथों गंवानी पड़ेगी। मामला है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का। बैग में नवीन की लाश मिली थी और उसके बाद से पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस ने एक टैटू की मदद से मामले का खुलासा कर दिया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सुखदेव विहार के नाले में 10 अगस्त 2021 को एक ट्रॉली बैग मिला। बैग में शव मिला जिसकी मिस्ट्री पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाली मृतक की पत्नी मुस्कान, उसके प्रेमी जमालुद्दीन उर्फ जमाल, सास समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी और उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्याकांड में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी आरपी मीणा ने बताया कि 10 अगस्त को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सुखदेव विहार के पास नाले में पड़े सूटकेस में शव होने की जानकारी मिली। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची, वहां उन्हें काले रंग के ट्रॉली बैग में लाश मिली। चेहरा सड़ने के चलते उसे पहचान पाना काफी मुश्किल था। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था सिवाय एक टैटू के। मृतक के शरीर के दाहिने हाथ पर नवीन नाम का टैटू गुदा था। इससे पुलिस को गुत्थी सुलझाने में मदद मिली। इसके अलावा उसने दूसरे हाथ में कड़ा पहना हुआ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। 12 अगस्त को पुलिस स्टेशन नेपसराय में इसके लापता होने की जानकारी मिली थी। जांच में ये जानकारी सामने आई कि नवीन के लापता होने की रिपोर्ट उसकी पत्नी मुस्कान ने दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसका पति 8 अगस्त से लापता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नवीन की पत्नी कुछ दिन पहले ही किराए के कमरे को खाली कर कहीं और चली गई थी। पुलिस जब उसके पते पर पहुंची और मकान मालिक से बातचीत की तो पता लगा कि मुस्कान अपनी माँ और 2 साल की बेटी के साथ किराए पर रहती है, लेकिन 11 अगस्त को वो अचानक कमरा खाली करके चली गई। उसे मिलने के लिए अक्सर एक लड़का आता था जो चश्मा लगाता था। पुलिस ने मुस्कान के मोबाइल नंबर की मदद से उसे तलाश लिया। उसका नाम था जमाल। नवीन की हत्या के बाद जमाल ने शव को वॉशरूम में धोया और कमरे में खून साफ किया। सुबह जमाल ने अपने दोस्त राजपाल को शव देखने के लिए बुलाया। नवीन, जमाल और उसके साथियों के खून से सने कपड़े दिल्ली के नाले में फेंक दिए। फिर जमाल ही अपने घर से एक ट्रॉली बैग लेकर आया। उसने शव को बैग में पैक किया और सुखदेव विहार के नाले में ऑटो से फेंक दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वीके न्यूज पर। नमस्कार।